I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. अरे उर्दू में दो साहब, हिंदी में नहीं। हाँ तुम्हारे साहब एक मंजिल मुझे भी दीजिए। अरे हमें भी दो साहब, क्या कर रहे हैं आप? हमें भी दो। हाँ अरे किताब देना भाई। हम कब से खड़ा दे रहे हो? हाँ क्या कर लगाया क्या तुमने? मजाक कर रहा। एक किताब हमें भी दो। एक हमें दीजिएगा, एक किताब मेरे को दीजिए ना। एक हिंदी मंजिल मुझे दीजिए, अब उर्दू नहीं चाहिए। हाँ हिंदी उर्दू मुझे दीजिए ना। गजल पढ़ी है तुमने आकाश की? बहुत अच्छा लिखता है लड़का। क्या लिखता है सुना ना। अब आकाश लिखा लाले की जान, कमाल कर दी तुमने भाई, वाह भाई वाह। और क्या शेर लिखा लाले की जान, मेरी जान तूने तो मेरी जान निकाल दी। तू तो छुपा रुस्तम आकाश, क्या शेर है। पहले सौ बार इधर और उधर देखा है, फिर कहीं डर के तुझे। राम अवतार। हाँ शायर आजम, शेर ऐसे नहीं पढ़ा जाता। तो फिर कैसे पढ़ा जाता है? शबनम बेटी, जिसकी शायरी पे तुम पागल बनी फिरती हो, कभी उसे देखा भी है? हमारे ऐसे नसीब कहाँ उस्ताद जी। फिर भी ये दावे से कह सकती हूँ, जिनका ख्याल इतना खूबसूरत है वो खुद भी कुछ कम ना होंगे। एक तस्वीर है मेरे ख्यालों में, हसीन, जवान, उदास, बेनियाज। बेटी, ख्याल हकीकत से उल्टा भी तो हो सकता है। जी उस्ताद जी, जान दे दूंगी। कहीं इश्क तो नहीं कर बैठी? इश्क किया नहीं जाता बेटी, इश्क हो गया है मगर दीदार की हसरत नहीं। उस्ताद जी, जान को अंगूठी के नगीने में बंद करने की तमन्ना कभी पूरी हो सकती है? बेटी तुम्हें अल्लाह के देन का अंदाजा नहीं। अरे शबो बेटी। जी अम्मी। तैयार होना शुरू कर दो। जी। वक्त लगेगा सवरने में। उस्ताद जी, आज जो आए शबनम का दीवाना होकर जाए, खुदा की कसम दीवाना होकर। अमीना भाई, आपकी नजर ने जिस हीरे को परख लिया है, देखने वालों के मजा ले कि नजरें हटा ले। शबु बेटी। जी अम्मी। इससे पहले कि तुम्हारा पहला मुजरा शुरू हो जाए, मेरा आखिरी सबक सुन लो। तुम मेरे इशारों पर नाचोगी, दुनिया तुम्हारे इशारों पर नाचेगी। तुम जब गर्दन झुकाकर आदाब कहोगी, जमाना तुम्हारे कदमों को चूमेगा। जवानी बार बार नहीं आती है, सिर्फ एक बार आती है, उसका जी भर के फायदा उठा लेना चाहिए। कोठे वालों का ईमान ये कहता है कि जो दौलत से बात करे उसके रास्ते में आंखें बिछा देनी चाहिए, जो दिल से बात करे उसे मुस्कुराकर ठुकरा देना चाहिए। दिल और दौलत का मेल कभी नहीं होता है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, अपने हुस्न की शमा जलाओ, परवानों का आने का वक्त हो गया है। मेरी बेटी, खुदा तुझे नजरे बद से बचाए, जीती रहो। कतम उड़न कटोली की कयामत है कयामत, नजर भर के देख ले तो सीधा दिल में उतर जाए। कतार की तरह आओ। मामला कितने में घटेगा प्यारे? हुजूर आज तो पहला ही दिन है, रोजे अव्वल, कसम उड़न कटोली की मामले की बात अभी मत कीजिए, कुछ तो वक्त लगेगा ना शीशी में उतारने के लिए। आइए तशरीफ लाइए। जहे नसीब, आपके मुबारक कदमों की वजह से
हमारा दहलीज पास हुआ। आइए बैठिए बैठिए। यहाँ पास है आधा बजे। अमीना भाई अब ज्यादा सबर नहीं हुए, बड़े जोर की प्यास लगी। पानी की कदर तब होती है सेठ साहब जब प्यास हद से ज्यादा बढ़ चुकी होती है। इतनी देर में आप पानी की जगह सेठ साहब पान खा लीजिए। हाँ, अरे फिर कहीं डर के पूजे एक नजर देखा है। एक पान देना ना के। क्या बात है, दुकान बड़ी जल्दी बंद कर रहे हो? आकाश बाबू आप नहीं जानते कि आज की रात मुरादों की याद है, मुरादों की। क्या मतलब? आकाश बाबू सुना है कि आज एक नई शमा जलने वाली है, शबनम पहली दफा गा रही है, नाचेगी और गाएगी। अगर मैंने उसका गाना नहीं सुना तो आकाश बाबू सारा जिंदगी अफसोस रहेगा। आप भी चलिए ना। क्यों नहीं भाई, शुक्रिया। हमारा नियत कमाल है, शायर होकर बदकिस्मत है बेचारा। बहुत ही अच्छा गला पाया है आपने। शुक्रिया। इतनी सुरीली आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। आप तो एक तरह बात कर रहे हैं, आवाज से ज्यादा गजल मेरा। नहीं ऐसा नहीं, आवाज के मुकाबले गजल फीकी पड़ गई। आवाज अच्छी है या बुरी इसका फैसला तो हम सुनकर कर सकते हैं, लेकिन किसी का कलाम अच्छा है या बुरा ये समझने के लिए दिमाग चाहिए ना। जी नहीं, दिल। कौन था जो आते ही इस मासूम कातिल की निगाह का मरकज बन गया? गोवर्धन का टोला, यहाँ के सरकारी वकील त्यागी साहब का इकलौता लड़का मनमोहन आकाश है। सुना है कि उन्होंने आजकल भोज शायरी कर रहे। से दोबारा यहाँ नहीं आना चाहिए प्यारे। बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा मुड़न कटोले की आज बेफिक्र रहो। ये बंदी आपकी और क्या खिदमत कर सकती है? खिदमत करने का भी वक्त आएगा मीना भाई, तब इनकार मत करना। मेरी क्या मजाक, सरकार हुकुम करे। वैसे बच्ची का गाना पसंद आया ना? सुभान अल्लाह, बच्ची का गाना और बच्ची। अमीना भाई अहले जबान वो अल्फाज नहीं तरतीब दे पाए जो शबनम की तारीफ में हम इस्तेमाल करना चाहेंगे। शबनम खुद मुझे समय तारीफ है, तारीफ की तारीफ हम क्या करें। सरकार जर्रे को आफ्ताब बना रहे हैं। फिर तशरीफ लाइए ना। अरे क्या बोल रहे अमीना भाई, कसम उड़न कटोले की सरकार को तो यहाँ से वापिस जाना वजन मालूम हो रहा है। उनको तो मुद्दत के बाद तुम्हारे दर पे राहत मिली है। मगर जरा नवाब साहब बहुत रंगीन है, बहकना पसंद करते हैं, गुम हो जाना, खो जाना, कसम उड़न कटोले की लूट जाना तो उनकी तबीयत में है। अच्छा। अमीना भाई कसम उड़न कटोले की मेरे को भूलना नहीं। अरे क्या बात करते हो प्यारे, तुम तो खरे हमारे प्यारे। ये अच्छा तो अब इजाजत दीजिए, बंदगी बंदगी, खुदा हाफिज। खुदा कुछ काम बना? काम जागा है तो बनेगा क्यों नहीं। सरकार असम उड़न कटोले की मक्खन में लपेट के दाना छोड़ा हूँ। मुबारक हो बेटी, मुबारक हो। तीर ठीक निशाने पर जाकर लगा है। नवाब साहब तो रेशा खत्मी होकर गए, ढेर हो गए, तरफते मचन से यहाँ से गए। अल्लाह ने अगर चाहा तो ऐसे हजार नवाब तुम्हारे कदमों में ला के रख दूंगी। अब तो ऐश ही ऐश है मेरी जान। आगे आगे देखो अमीना भाई क्या क्या गुल खिलाती है। आए, आए, क्या हुस्न, क्या शबाब है। शबनम तुम आफ्ताब हो। आधा बर्दे सरकारी वकील साहब। क्या बात है? कसम उड़न कटोले की आपके साहेबजादे आपकी इज्जत का जनाजा लिए खाते पे घूम रहे थे, मैंने उन्हें देख लिया इससे पहले के सारा। साहब बताओ क्या बात है।
अभी मैंने थोड़ी देर पहले अमीना बाई के एक कोठे पर मैंने आज तो देखा भूल जाऊंगा, कल अगर देखा तो ये बात कसम उड़न कटोली की अखबारों तक पहुंच जाएंगी। मॉर्निंग पिताजी। सुना है बहुत तरक्की कर रहे हो आजकल। आपका आशीर्वाद है। कल रात में यही घर पे आने से पहले कहा कोठे पर। हमें खुशी है सच बोलना तुम्हारी आदत है, मगर जानते हो कितनी बुरी बात है। क्यों इसमें बुरा क्या है? बाजारी गाना सुनना बुरा है, कोठे पर जाना बुरा है, नाचने गाने वालियों से मिलना बुरा है। किसी की आवाज अच्छी लगे तो उसे सुनने में क्या बुराई है पिताजी? और फिर अगर कोठे पे जाना बुरा है तो कोठों का वजूद क्यों? कोठे है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम होना चाहो। वो बुरी जगह है, वहां बुरे लोग रहते हैं, बुरे लोग आते जाते हैं। नहीं पिताजी, मैं नहीं मानता कि किसी खास जगह रहने या आने जाने से इंसान बुरा हो जाता है, जब तक कि वो कोई बुरा काम ना करे। मैं बहस करना नहीं चाहता, सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम दोबारा वहां नहीं जाओ। नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे समझाइए क्यों, वरना हो सकता है नासमझी में मैं आपकी बात न रख सकूं। आकाश, क्या तुम ये चाहते हो कि कल समाज मुझ पर उंगलियां उठाकर ये कहे कि ये है सरकारी वकील रघुनाथ त्यागी जिनका बेटा नाचने वालियों के यहां पड़ा रहता है? समाज से आप इतना डरते क्यों? अगर कोई पेट भरने के लिए नाच लगाता है तो इसका ये मतलब क्या? सिर्फ पेट भरना है तो इंसान दुनिया में और भी बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, आप सरकारी वकील ना होकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी तो हो सकते थे, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये भी कोई बस की बात है? हो सकता है नाचना गाना भी कोठे वालियों की बेबसी हो। तुम जबान दराजी कर रहे हो आकाश, मैंने तुम्हें पढ़ाई लिखा इसलिए नहीं कि पढ़ लिख कर तुम मुझे ही कोठे वालियों पर भाषण देना शुरू कर दो, बल्कि इसलिए कि तुम कोई अच्छा काम करके समाज में नाम कमाओ। समाज? जो समाज एक लड़की से सिर्फ इसलिए नफरत करता है कि वो कोठे पर नाचती गाती है, जो समाज पैसे वालों को इज्जत की नजर से और गरीबों को कसाई की नजर से देखता है, मैं उस समाज में नाम कमाने के लिए अपनी जिंदगी जाने का। तुम क्या करोगे? लिखेंगे गजलें, नज़्में, गीत ये लिखेंगे, हम प्रिंट करेंगे, लोग पढ़ेंगे। आप तो खामखा एक कलाकार को क्लर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने इसका दिमाग खराब किया है। नॉट ट्रू। हम ही तो इसके दिमाग को जानते हैं, इसकी कदर करते हैं। आखिर से समझाइए, मैं तो चलता हूँ, अदालत का वक्त हो गया। बहुत अच्छा, नमस्ते त्यागी जी। नमस्ते भाई। आकाश, तुम्हारे पिताजी क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे? जो वो खुद नहीं समझते। ये बताओ जितनी सुबह कैसे आता है मंदिर कैसे बिक रहा? कुछ ना पूछो यार, ऐसा बिक रहा है जैसे अकाल में अनाज बिकता हो। आकाश, अगले इशू के लिए तुम्हारी एक गजल की जरूरत है, ये लो चेक। एक कष्ट में आ पड़ा हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे वही जमुनादास वाला मामला। हाँ, जिसे तुमने सड़क पे मारा था। हाँ यार, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन दावा कर दिया है। तुम पर? हाँ, इज्जत हत्या का दावा 20,000 मांगता है। क्या करोगे? लड़ूंगा, एक दमड़ी नहीं दूंगा उस सुअर को। अरे भैया, सुअर को मत देना, जमुनादास को दे देना। क्या कहते हो यार? तो लड़ोगे? जरूर लड़ूंगा, लेकिन एक दस अच्छे वकील की जरूरत है, उनके जैसा। क्या नाम है उनका? अरे यार, तुम्हारा दोस्त हुई जस आपका लड़का। हाँ। हाँ, अशोक। वो तो छोटे मोटे केस लेता नहीं। अरे इसीलिए तो तुम्हें साथ ले जाना चाहता हूँ, चलो ना, कोशिश करके देखें। अच्छा चलो, नाश्ता तो कर लो। ठीक है, बाद में कर। For exclusive classic movies, download Shimarumi app now.